आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि अगर आप एज अ फ्रेशर गोवा का, आबू धाबी और दुबई का, थाईलैंड का और यूरोप का टारगेट जीतते हैं तो आपको कितना रुपये मिलेगा। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और कंक्लूड की थी कि आप रैंक वाइज आप यहाँ से अपना रैंक भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर गोवा का और अगर आप थाईलैंड का जीतते हैं तो रैंक 1 आपका कंप्लीट होता है, रैंक 2 कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये बताया है कि नहीं सर, सेकंड रैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि जो मेरी जानकारी है उस आधार पे सेकंड रैंक कैसे आपका कंप्लीट हो सकता है और कैसे 10,000 कंप्लीट करने पर भी आपका जो सेकंड रैंक है वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें ताकि आपकी भी जानकारी और मेरी भी जानकारी की सही पुष्टि हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप ने अपना जो टाइटन टारगेट है उसे जो है लॉन्च कर दिया है। किस लेवल पर आप कितना रुपए कमा सकते हैं, किस टारगेट को जीत करके ट्रिप वाइज आप कितना रुपए यहाँ से अर्न कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वाले ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगी। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं और टीम में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि रैंक 2 कैसे कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, जो मेरी जानकारी है वही जानकारी 100% जानकारी नहीं है। इस ट्यूटोरियल के डिस्क्लेमेशन में मैं शुरू में ही बता देता हूं कि जो मेरी जानकारी है उसको अंतिम जानकारी ना माने, अपने सीनियर से या कंपनी में बात करके उसे अंतिम जानकारी माने। अब बात आती है सेकंड रैंक पे जो विवाद है या जो कंट्रोवर्सी है या जो बातों में जो जो ढेर सारा जो डिफरेंसेस हैं कि व्यूवर्स कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं, थाईलैंड का ट्रिप अगर आप विन कर लेते हैं तो सेकेंड रैंक आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसा मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे, अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर आप थाईलैंड का ट्रिप जीतना चाहते हैं तो आपको 5,400 लेफ्ट में, 5,400 राइट में आपको ये बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आप ऐसे देखा जाए तो यहाँ से आप थाईलैंड का ट्रिप जीत जाते हैं लेकिन सेकंड रैंक नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि सेकंड रैंक को कंप्लीट करने के लिए ऐसा माना जाता है कंपनी की वेबसाइट पर कि आपको 3,200 लेफ्ट में और 6,800 आपको राइट में करना होता है, तब जा करके आपका 10,000 कंप्लीट होता है और आप सेकेंड रैंक के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये बात तो मेरी थी, अब बात आती है आपकी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताएंगे कि क्या 10,000 कंप्लीट होने पर, चाहे लेफ्ट में या राइट में कैसे भी हो, 10,000 कंप्लीट हो गया तो क्या आपका या मेरा किसी का भी सेकेंड रैंक कंप्लीट माना जाता है, आईडी पे सेकेंड रैंक कंप्लीट हो जाती है, या फिर उसे ये जो पैरामीटर है 3,200 का और 6,800 का, इसे पूरा करने के बाद ही आपका जो है सेकेंड रैंक कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि थाईलैंड का ट्रिप अगर आप 5,400 और 5,400 लेफ्ट राइट में कर देते हैं तो आप थाईलैंड का ट्रिप तो जीत जाते हैं लेकिन आप सेकेंड रैंक क्वालिफाई नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि आपको 3,200 और 6,800 का पैरामीटर पूरा करना होता है। तो आप लोगों को ये जानकारी थोड़ा सा आपको सहयोग करना होगा। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। मैं आप लोग के जवाब के इंतज़ार में रहूँगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड यहीं पे लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।